हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और इसी आशा के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, अभी हमारा प्रोनाउन का पार्ट वाइज सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम के तहत आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर नंबर वन, ओके, फर्स्ट में कौन सा आता है? ईच अदर। सेकंड वन कौन सा है? वन अनदर। फर्स्ट में कौन सा आता है? ईच अदर, और सेकंड वन कौन सा है? वन अनदर। अब इनका यूज देखेंगे पहले, तो इनका यूज कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, किनके लिए किया जाता है, ओके, ये हमें देखना है। ईच अदर का यूज कहां करते हैं देखिएगा। टू persons और थिंग्स आर कंसर्न, जहां पर दो चीजें या दो persons मान लो, दो व्यक्ति मान लो, टू persons और थिंग्स, दो व्यक्ति या दो चीजें जहां एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट वन अनादर, इसमें क्या होता है? मोर देन टू persons और थिंग्स आर कंसर्न, यहां पर क्या होता है? दो व्यक्ति या दो वस्तुएं, उनसे अधिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कंसर्न का मतलब रिलेटेड, संबंधित। ओके, तो मोर देन टू persons, मोर देन मीन्स अधिक, इनके बजाय दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बजाय और भी अधिक, मतलब वहां पर दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए या फिर दो से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का यूज करते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, टू पर्सन और थिंग्स आर कंसर्न, जहां दो व्यक्ति या दो वस्तुएं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं या संबंधित होती हैं, वहां पर ईच अदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन वन अनदर, इसके अंदर क्या होता है? दो वस्तुएं या फिर दो व्यक्ति, यूं कह सकते हैं हम, वो भी उनसे भी अधिक जहां होती हैं चीजें या फिर व्यक्ति होते हैं वहां पर, ये मान लो आप, मोर देन टू persons, दो व्यक्तियों से अधिक या फिर और थिंग्स या फिर दो वस्तुओं से अधिक जहां एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वहां पर किसका यूज करते हैं हम? वन अनदर का यूज करते हैं। ओके, तो कंसर्न, यहां वर्ड बार बार आ रहा है, कंसर्न मीन्स होता है रिलेटेड। तो यहां पर क्या बताया गया आपको? दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं से अधिक होने चाहिए, दो व्यक्तियों से अधिक होने चाहिए व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो यहां पर एक तरह से हमने इसको एक डेफिनेशन दी है, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज यूज्ड, इट इज का मतलब ईच अदर, ओके, इट इज यूज्ड टू persons और थिंग्स आर कंसर्न्ड। ओके, क्या कह सकते हैं? इट इज यूज्ड, या फिर यूं कह सकते हैं ईच अदर इज यूज्ड, ओके, वेयर टू persons और थिंग्स आर कंसर्न्ड, जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तुएं संबंधित होती हैं, वहां पर ईच अदर का यूज करते हैं। इसके डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं हम? इसके डेफिनेशन इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में, इट इज यूज्ड वेयर, इट इज यूज्ड वेयर मोर देन टू persons और थिंग्स आर कंसर्न्ड, जहां पर क्या होता है? दो से अधिक व्यक्ति हो या दो से अधिक वस्तुएं संबंधित होती हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन हमने दो तीन तरीके से देख ली है इसकी, ये यहां पर शॉर्टकट में है और मैंने आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन करके और बता दिया है। एग्जाम्पल देखिएगा, नंबर वन, द टू सिस्टर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, दोनों बहनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। तो यहां पर किसका यूज किया गया है देखिएगा, यहां पर ईच अदर का यूज है। किसका यूज है? ईच अदर का यूज है। और यहां पर जैसा कि हमने यहां स्टडी किया था पहले कि टू persons और थिंग्स आर कंसर्न, तो यहां पर टू persons, दोनों सिस्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब दोनों सिस्टर्स ने ही क्या किया है? एक दूसरे से झगड़ा किया है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल है The two students struck each other. Okay? तो यहां पर भी क्या है? दो
persons हैं, two persons हैं, दो students हैं, उन्होंने क्या किया, struck each other, एक दूसरे को मारा। struck का मतलब क्या होता है, मारना होता है, लात घुसे मारना, लड़ाई झगड़े में जो होते हैं उस प्रकार से इसको कहते हैं, उस मीनिंग में इसका यूज किया जाता है, struck का यूज। struck means मारना, लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को हाथ पैर से मारना, वो होता है struck। ओके, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल किसका हो गया, ईच अदर का हो गया, यहां पर ईच अदर का यूज, यहां पर टू पर्संस हो गए। देन थर्ड एग्जांपल, दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के विरुद्ध जो है क्या पेश किया, सबूत पेश किया या सबूत दिया, उनके बीच में झगड़ा हो गया होगा या कोई अपराध उन्होंने कर दिया होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के विरुद्ध क्या दिए, एविडेंस दे दिए। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रमाण या सबूत। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दे, यहां पर क्या देखा था हमने, मोर देन टू पर्संस, तो यहां पर दो से अधिक व्यक्ति हैं, क्लियर। इसके बाद में एविडेंस सबूत, अगेंस्ट विरुद्ध, वन अनदर का मींस क्या हो गया, एक दूसरा या एक दूसरे के अगेंस्ट को साथ में लेकर के बोलेंगे तो एक दूसरे के विरुद्ध, मींस तो यहां पर वही है, वन अनदर का मतलब एक दूसरा होता है, ईच अदर का मतलब एक दूसरा होता है, लेकिन यहां पर वन अनदर में टू पर्संस या टू थिंग्स से ज्यादा पर्संस या थिंग्स होती हैं, टू पर्संस से ज्यादा पर्संस होते हैं, टू थिंग्स से ज्यादा थिंग्स होते हैं, और यहां पर ओनली टू पर्संस या टू थिंग्स होती हैं। आफ्टर दैट देखिएगा फोर्थ एग्जांपल, दे ऑल हेटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे से घृणा की या एक दूसरे से नफरत की, तो यहां पर भी मोर देन टू है और यहां पर वन अनदर का यूज किया गया है। तो इसके बारे में वन अनदर और ईच अदर, या यूं कह सकते हैं ईच अदर और वन अनदर के बारे में अलग अलग ग्रामेरियन के अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग उनकी क्या है एक तरह से विचारधाराएं हैं, जिसमें नेसफील्ड ने कहा है, यहाँ पर ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर वो एक ऑथेंटिक स्थिति में आपको बात बताऊं, तो यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो एक ग्रामेरियन हुए हैं, उनका नाम है नेसफील्ड, क्या नाम है, नेसफील्ड। ओके, तो नेसफील्ड की ग्रामर है वो है, देखिएगा इसमें नेसफील्ड की ग्रामर के अनुसार, नेसफील्ड की ग्रामर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि वन अनदर और ईच अदर ये जो है इनका ऑथेंटिकेशन है उन्होंने बताया है, लेकिन कई विद्वान जो हैं वो इस बारे में क्या नहीं है, सहमत नहीं है, उन्होंने इसके बारे में और अलग राय दी है, लेकिन नेसफील्ड ने अपनी राय बताई यहां पर। तो नेसफील्ड की ग्रामर जो है उसका नाम है, उसके अनुसार यहां पर ईच अदर वन अनदर का यूज किया गया है, नेसफील्ड की ग्रामर है। ओके, तो नेसफील्ड की ग्रामर का नाम याद रखना, ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज। अब इंग्लिश की ग्रामर है तो इंग्लिश तो यहां पर आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज। इसके पेज नंबर 132 पर उन्होंने अपनी अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए हैं वन अनादर और ईच अदर के बारे में, या ईच अदर और वन अनादर के बारे में। तो ये आपके लिए एक ऑथेंटिकेशन हो गया। इसके बाद में जो मार्टिनेट है, या थॉमसन एंड मार्टिनेट इनका नाम है पूरा, उनकी ग्रामर जो है उन्होंने अपने अलग विचार दिए हैं, लेकिन आखिर जो इनका जो यूजेज है या यूसेज है वो एक तरह से सेम सा ही होता है। तो अलग अलग ग्रामेरियन की अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट है, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। बट यहाँ पर हमने नेसफील्ड के अकॉर्डिंग इसको स्टडी किया है, तो ऑथेंटिकेशन के आधार पर आपको स्टडी करना है। कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि नेसफील्ड की जो ग्रामर है जिसका नाम इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज है, उसके पेज नंबर 132 पर ईच अदर और वन अनदर का यूज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। तो ये हम ऑथेंटिकेशन किसी को देंगे तो अगला जो है अपने कॉन्सेप्ट में अपनी बात में दम समझेगा और इस चीज को बिल्कुल ऑथेंटिक वो मानेगा। हमें कोई भी चीज जब स्टडी करें तो हमें ऑथेंटिकेशन के आधार पर उसका स्टडी करना चाहिए, ताकि हम किसी से अगर डिबेट भी करें तो उस डिबेट में हम आखिर अपने उसमें विक्ट्री होती है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया। तो ऐसे हम वन बाय वन करके और सभी प्रोनाउन का या सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं उनका हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा आपको लगा या आप वीडियो देखने के बाद आपको लगता है तो
तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी एक अलग से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ये मैटर आपको ऑथेंटिकेशन के आधार पर आपके सामने लाता रहा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, न्यू एक पॉइंट के साथ में। तब तक आप इसकी स्टडी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।